हेलो दोस्त, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज फिर एक नए वीडियो के साथ मैं उपस्थित हुआ हूँ मोटिवेशनल के रूप में। ठीक है, तो आइए एक नए कोटेशन के साथ देखते हैं और इस कोटेशन का क्या भाव निकलता है और आप भी सोचिएगा। ठीक है, तो ये समान व्यक्तियों के लिए भी ये वीडियो कारगर है और जो प्रतियोगी छात्र मेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या निबंध की तैयारी कर रहे हैं या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनके भी एग्जाम में ये काम आएगा। हालांकि यहाँ पे व्यवहारिक चीज़ें हैं, जो चीज़ें यहाँ पे लिखी जा रही हैं वो सैद्धांतिक से प्रेरित हैं और अनुभव से ही प्रेरित हैं। ठीक है, अगर आप इसके भावों को समझ ले रहे हैं कोटेशन के रूप में तो आपको सैद्धांतिक बातें समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो आइए देखते हैं, इसको पढ़ते हैं फिर इसका भाव निकालते हैं। ठीक है, रूढ़िवादी व भौतिकता के जीवन में जीने वाला वह व्यक्ति जो केवल एक के लिए जीता हो, वह सबके द्वारा सम्मानित हो यह आवश्यक नहीं है, लेकिन जो सबके लिए जीता हो वह केवल एक से भी सम्मानित होता है। कुछ अपवाद को छोड़कर ध्यान रहे यह केवल एक से तात्पर्य जो है वह वर्ग, स्थानीय लोग, संप्रदाय, जाति और भाषा इत्यादि से हैं। ठीक है मित्र, तो मुझे लगता है आप इस चीज़ को पढ़ लिए होंगे और इसके भाव समझने की आप कोशिश भी कर रहे हैं। तो आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। हाँ, एक चीज़ और, यदि आपको लगता है कि मुझे कुछ सुझाव देना है तो निश्चित रूप से आप सुझाव दीजिए, मैं उसका स्वागत करूँगा कमेंट के साथ, लेकिन जो भी दीजिएगा आप लॉजिकल तरीके से दीजिएगा। आइए देखते हैं। देखिए, इसमें जो बातें कही गई हैं बहुत ही सिंपल बातें हैं। ठीक है, अगर आप आसपास के घटनाओं पर देखेंगे या तो फिर ऐतिहासिक को उठाकर देखेंगे, अतीत में झांक कर देखेंगे, तो आपको ढेर सारे ऐसे व्यक्ति मिले होंगे जो व्यक्ति केवल एक को लेकर जीता है और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सबको लेकर जीते हैं। लेकिन मैंने कहा कि कुछ अपवाद को छोड़कर कि जो एक के लिए भी जीते हैं वो भी सम्मानित होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ कई संदर्भों में बातें कही जा रही हैं। ठीक है, अपने वर्ग के हित के लिए लड़ाई करना ये भी अच्छी ही बात है, लेकिन खासतौर उतना प्रासंगिक वो व्यक्ति नहीं हो पाता है जितना कि वह जो कि सभी के लिए जीता है। ठीक है, तो आइए उस चीज़ को हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए होता क्या है, हमारे समाज में बहुत सारे लोग होते हैं। तो इसमें से आइए देखते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रूढ़िवादी टाइप के होते हैं, रूढ़िवादी, और कुछ लोग जो होते हैं वो भौतिकतावादी भी होते हैं, भौतिकतावादी। जी हाँ, रूढ़िवादी में भी कुछ लोग भौतिकतावादी टाइप के होते हैं। ठीक है, तो अगर भौतिकतावादी के संदर्भ में कहें तो आर्थिक व्यवसाय यानी कि वर्ग, जैसे पूंजीवादियों का एक अपना सिद्धांत होता है, समाजवादियों का अपना एक अलग सिद्धांत होता है, उसी तरीके से जो फासीवाद होते हैं उनका एक अलग सिद्धांत होता है, जो सामंतवाद होते हैं उनका एक अलग सिद्धांत होता है, सब अपने अपने विचारधाराओं के पक्ष खींचते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर हम रूढ़िवादी के संदर्भ में बात कर रहे हैं, ठीक है, रूढ़िवादी का मतलब अगर आप किसी एक विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, एक विचारधारा को अगर आप लेकर चल रहे हैं, और एक विचारधारा का मतलब जैसे मैंने यहां पर लिखा है, अगर कोई व्यक्ति अपने वर्ग को ऊपर उठाने के लिए समाज के मुख्य धारा से जोड़ रहा है, समाज के मुख्य धारा से जोड़ रहा है, एक व्यक्ति और एक ही वर्ग को समाज के मुख्य धारा से जोड़ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो हित की बात कर रहा है। वो अपने ही वर्ग में रहकर सबके हित की बात कर रहा है, अपना हित उसमें कम समझता है। ध्यान रखना इस चीज को आप। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जो
केवल एक वर्ग को लेकर चलते हैं, इस टाइप के जो व्यक्ति होते हैं वो समाज में प्रासंगिक होते हैं। लेकिन अगर जब यही व्यक्ति इस वर्ग का सहारा लेकर समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की बात कहकर, लेकिन उसमें वो अपना पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत हित समझता है, व्यक्तिगत हित समझता है तो वह व्यक्ति न तो अपने वर्ग के द्वारा ही प्रासंगिक होगा और न अन्य वर्ग के द्वारा प्रासंगिक होगा। तो आइए देखते हैं ऐसे टाइप के कौन व्यक्ति हैं। दो टाइप के व्यक्ति का नाम हम लूंगा जो एक तरीके से बहुत ज्यादा प्रासंगिक हैं, जो अपने ही वर्ग को लेकर चले ज्यादातर और प्रासंगिक भी हुए हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा भीमराव अंबेडकर का। जो भीमराव अंबेडकर थे वो अपने समाज को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए काफी ज्यादा लड़े। उन्होंने इसके संदर्भ बहुत स्टडी की और लोग उनके वर्ग के, आज भी लोग उनको भगवान मानते हैं, बल्कि उनके ही लोग वर्ग के, क्या भारत में रहने वाले सभी लोग उनको सम्मान करते हैं। लेकिन हां, एक विशेष वर्ग के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया था और देना भी चाहिए, क्योंकि देश का तभी विकास होगा जब देश में रहने वाले सभी व्यक्ति एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन वहीं पर इसके अलावा एक व्यक्ति आप और देख सकते हैं। आपने रामुल्ला नाम का व्यक्ति सुना होगा जो एक तरीके से तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की गठन की बात की थी, जिसके लिए उन्होंने अनशन पर बैठकर अपनी जान भी दे दी थी। क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि वो एक तरीके से राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करना चाहते थे, वो नहीं बल्कि वो सोचते थे कि हमारे क्षेत्र के लोग एक राजनीतिक सत्ता मिल सके और अपने अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा वो उपयोग कर सकें। तो एक ये बहुत बड़ा कारण भी होता है कि भाषा के आधार पर राज्य का अलग करना। लेकिन दोस्त, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इस वर्ग की आड़ को लेकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो न केवल अपने वर्ग से निंदा का पात्र बनता है, बल्कि समाज के सभी वर्गों के द्वारा निंदा का पात्र बनता है, सभी के द्वारा। वहीं दूसरे तरफ हम देख लेते हैं जो सभी वर्गों को लेकर साथ में चलता है, सभी वर्गों। तो ऐसे व्यक्ति के एग्जाम्पल के रूप में सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, उस सरल, सबसे सरल एग्जाम्पल जो है वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की अगर आप बात कर लोगे मित्र, तो ये महात्मा गांधी के बारे में देखोगे तो ये एक तरीके से भारतीय इतिहास में इनके व्यक्तित्व के देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि सभी वर्ग को ध्यान में लेकर चलते थे और सभी क्षेत्र को भी ध्यान में रख के चलते थे। ऐसा नहीं कि इन्होंने सिर्फ स्पेशली गुजरात पर ध्यान दिया, ये पूरे भारत के सभी क्षेत्रों पर ध्यान देते थे। ऐसा ये नहीं था कि ये किसी एक संप्रदाय पर ध्यान देते थे, ये भारत के सभी संप्रदायों को एक साथ लेकर चलना चाहते थे। आप समझते होंगे इस चीज को। ऐसा ये भी नहीं था कि ये श्रमिक वर्ग और पूंजीवादी वर्ग को अलग करना चाहते थे। ट्रस्ट शिप इन्होंने लाया था, उस माध्यम से इन्होंने सबको एक साथ ले जाने की प्रेरणा दी, ये कभी यूनिपोलर की बात नहीं करते हैं। तो इस टाइप के जो व्यक्ति होते हैं ये केवल अपने ही वर्ग, भाषा, स्थान के द्वारा सम्मानित नहीं होते हैं, बल्कि भारत के सभी वर्ग, सभी भाषा,
सभी जात के द्वारा सम्मानित होते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं, अर्थात मेरा भाव क्या है कहने का, ये आप समझ सकते हैं। और यही भाव हर व्यक्ति के अंदर आना चाहिए। अगर आप एक वर्ग के लिए भी लड़ रहे हैं तो सकारात्मक व्यू बनाइए, उसकी आड़ में कालाबाजारी करने की कोशिश मत करिए, कालाबाजारी करने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो सभी वर्गों के द्वारा सम्मानित तो दूर, आप अपने आप के द्वारा भी सम्मानित नहीं हो पाओगे, कभी कभी नहीं हो पाओगे। तो ए मेरे दोस्त, मुझे लगता है कि आप इस वीडियो के भाव को समझ गए होंगे। इसी के साथ हम इस वीडियो का समापन कर रहे हैं। फिर एक नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो के साथ, एक नए मोटिवेशनल के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। जय भारत, जय हिंद।